स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा एंड उसका एक्सरसाइज 4.14.2 स्टार्ट करेंगे. नाउ द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर. मतलब जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में एक साल में एडमिट होते हैं उनके एज बताए हैं हमें. एज इन ईयर्स, दैट इज 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 एंड सो ऑन. एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने, 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5. इसका मतलब कि एज ग्रुप ऑफ 5 to 15 के बीच में 6 पेशेंट्स आए, एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 के बीच में 11 पेशेंट्स आए एंड सो ऑन. Now find the mode and the mean of the data given above and compare and interpret the two measures of central tendency. मतलब आपको mode and median ढूंढना है, उसको compare करके उसका interpretation ढूंढना है. मैंने एक ऐसा ही example भी आपको दिखाया था. Now अब देखो, आपको mode ढूंढना है तो model class चाहिए. कौन सा class है जिसकी frequency highest है? 23 is the maximum frequency and उसके corresponding class interval क्या है, 35 to 45. So model class क्या हुआ, 35 to 45, correct? So the model class is 35 to 45 as the frequency 23 corresponding to it is the highest. So अब आपको क्या करना है, formula में जो भी आपको values चाहिए वो आप write down करोगे. L क्या है, lower limit of the model class which is equal to 35. Then class size or the H. H क्या होगा, 45 minus 35, that is upper limit minus lower limit 10. F1 क्या होगा, frequency of the model class, that is 23. F0 क्या होगा, frequency of the class preceding the model class, that will be 21. And F2 क्या होगा, frequency of the class succeeding the model class, which will be equal to 14. Correct? देख लो, 21, F0 is 21 and F2 is 14. So what will be the mode? Mode is equal to L plus F1 minus F0 whole upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. So mode kya hoga? Substitute karo, 35 plus 23 minus 21 whole upon 2 into 23 minus 21 minus 14 into 10. So kya hoga? Jab aap solve karoge, 35 plus 23 minus 21 is 2 and 23 2s are 46 minus 21 minus 14 is 11. Into 10, so आएगा 36.8 years. ठीक है, समझ आया मोड कितना है, 36.8 years. अब आपको क्या चाहिए, मीन. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्योंकि आपका जो क्लास इंटरवल है वो बड़ा है तो इसका मतलब क्लास मार्क भी बड़ा होगा. सो मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द स्टेप डिविएशन मेथड. कैसा पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, FU, करेक्ट. सो क्लास इंटरवल क्या दिया है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 एंड सो ऑन. फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज लिखो. क्लास मार्क क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दैट इज 15 plus 5 upon 2, 25 plus 15 upon 2 एंड सो ऑन. अब डी क्या होगा, एक्स माइनस ए. ए क्या था, अज्यूम्ड मीन. सो मैं यहाँ पे अज्यूम्ड मीन ले रही हूँ, 40, दैट इज ए. ठीक है, सो अब ये डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस और डिविएशन ऑफ ए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्स. मतलब कि क्या करोगे, 10 minus 40, 20 minus 40, 30 minus 40, 40 minus 40, 50 minus 40 एंड 60 minus 40. याद आया हमने कैसे मीन किया था. फिर क्या करोगे, यू क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच और डी अपॉन एच, दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और डी अपॉन एच. एच क्या होता है, क्लास साइज. क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 15 minus 5, 10. सो एच हो गया 10. सो -30 upon 10 -3, -20 upon 10 -2 एंड सो ऑन. एंड एफ यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय यू, दैट इज 6 into -3 -18, 11 into -2 -22 एंड सो ऑन. सो ये क्या है, समेशन एफ. समेशन एफ कितना है, 80. एंड समेशन एफ यू कितना है, -37. ठीक है, सो मीन क्या होगा, x bar is equal to a plus h into summation f u upon summation f. मीन का फॉर्मूला, फॉर्मूले आपको नहीं भूलना है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो एक नोटबुक में सारे फॉर्मूले लाइन बाय लाइन लिखते जाओ, वो खाली आपकी फॉर्मूला शीट होगी. एंड एक सेपरेट नोटबुक बना लो फॉर्मूले के लिए एंड सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला चैप्टर वाइज आप लिखोगे. ठीक है,
तो x बार क्या हो गया 40 प्लस 10 इंटू माइनस 37 अपॉन 80, सो क्या हो गया 0 0 कैंसिल, सो 40 माइनस 37 अपॉन 8, एलसीएम ले लो 40 इंटू 8 इज 320, सो 320 माइनस 7 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 35.375. ठीक है, सबका मीन क्या आया 35.375. अब इंटरप्रिटेशन, सो द मोड एजेस ऑफ पेशेंट्स इज 36.8, करेक्ट, द मीन एजेस ऑफ पेशेंट्स इज 35.375, सो द मैक्सिमम एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर इज 36.8, वाइल ऑन एन एवरेज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर इज 35.375. समझ आया? मीन मतलब क्या एवरेज, एंड मोड मतलब क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स. समझ आया? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट, मतलब 225 इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स का लाइफ कितना है वो दिया है. लाइफ टाइम इन आवर्स 0 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80 एंड सो ऑन. फ्रीक्वेंसी 10, 35, 50 टू 61 एंड सो ऑन. डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कॉम्पोनेंट. मोड ढूंढना है, सबसे पहले क्या करोगे, मॉडल क्लास ढूंढोगे. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास इंटरवल में है, 60 टू 80. देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है, 61, करेक्ट. सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है, 60 टू 80. सो मॉडल क्लास क्या हुआ, 60 टू 80. एफ जीरो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास जो कि है 52. एंड एफ टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज 38. सो अब आप क्या करोगे, द मॉडल क्लास इज 60 टू 80 एज द फ्रीक्वेंसी 61 कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट इज द हाइएस्ट. सो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास और एल कितना होगा, 60. एच और द क्लास साइज क्या होगा, 80 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 20. एफ वन क्या होगा, 61. एफ जीरो 52 एंड एफ टू 38. सो सब्स्टिट्यूट करो, मोड इज इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो होल अपॉन 2F1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच. सो मोड क्या होगा, 60 प्लस 61 माइनस 52 होल अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20. देखो अगर आपको अभी तक फॉर्मूला नहीं याद हुआ, सो एल पहले लोअर लिमिट प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो एज इट इज रखो, एफ टू छोड़ दो, एफ वन माइनस एफ जीरो एज इट इज रखो. नीचे डिनोमिनेटर में एफ वन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. फिर उसके बाद एफ वन माइनस एफ जीरो एज इट इज आ गया, सो 2F1 माइनस एफ जीरो और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दो, माइनस एफ टू. सो क्या हो गया, एफ वन माइनस एफ जीरो होल अपॉन 2F1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू. एंड फिर क्या, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एच और द क्लास साइज से. ठीक है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि ये नहीं करोगे तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. सो मोड क्या हुआ, 60 प्लस 9 बाई 32 इंटू 20. इसको पूरा सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 65.625 आवर्स. ठीक है, समझ आया? देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 65.625 आवर्स. नाउ द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज. मतलब एक विलेज का मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दे रहा है कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड का, 200. फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज. ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर. मतलब आपको यहाँ मोड एंड मीन ढूंढना है बट उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करना. ठीक है, सो एक्सपेंडिचर कितना है, 1000 टू 1500, 1500 टू 2000, 2000 टू 500, अप टू 4500 टू 5000 एंड नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं, 24, 40, 33, 28 एंड सो ऑन. अब सबसे पहले मोड ढूंढने के लिए आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 40. सो मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास होगा 1500 टू 2000, करेक्ट. 1500 टू 2000 के कॉरेस्पॉन्डिंग है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40. सो द मॉडल क्लास इज 1500 टू 2000 एज द फ्रीक्वेंसी 40 कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट इज द हाइएस्ट. सो एल और द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हो गया 1500. क्लास साइज और एच क्या होगा, 2000 माइनस 1500 दैट इज 500. एफ वन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 40. एफ जीरो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज 24. एंड एफ टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज 33. ठीक है,
सो अब फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दो, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो होल अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, दैट इज 1500 प्लस 40 माइनस 24 होल अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500, सो क्या हो गया 1500 प्लस 8000 अपॉन 23. इसको पूरा सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा 8000 अपॉन 23 विच इज इक्वल टू 1500 प्लस 347.83 विच इज इक्वल टू 1847.83. समझ आया मोड कैसे आया? अब मीन, मीन के लिए अब इतना बड़ा क्लास इंटरवल है, इसमें तो हम ऑब्वियसली स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे. सो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखोगे, क्लास मार्क क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, दैट इज 1500 प्लस 1000 2500 अपॉन टू विच इज इक्वल टू 1250. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 500 है. सो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो क्लास मार्क्स होंगे, जो रिस्पेक्टिव दो क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वल टू योर क्लास साइज और द एच. ठीक है, सो क्लास मार्क्स समझे, डी क्या होगा एक्स माइनस ए, ए क्या होगा अज्यूम्ड मीन. अब यहां पे मैंने अज्यूम्ड मीन लिया है 3250. ठीक है, दिस इज माई ए. सो क्या करोगे, एक्स वन माइनस ए, एक्स टू माइनस ए, एक्स थ्री माइनस ए एंड सो ऑन. अभी तक आपको समझ आ गया होगा, इसके लिए मैं डीप में नहीं एक्सप्लेन कर रही. यू क्या होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और डी अपॉन एच, वेयर एच इज योर क्लास साइज एंड क्लास साइज कितना है 500. सो यू मिल गया. नाउ क्या होगा एफ यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई यू. करेक्ट, सो आपको एफ यू टोटल समेशन एफ यू कितना मिला, माइनस 235. देखो यहाँ पे आप समेशन एफ यू ऐसे लिखोगे एंड यहाँ पे समेशन एफ इज इक्वल टू लिखोगे. ठीक है, सो 202 माइनस 235. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन यूजिंग द स्टेप डिविएशन मेथड. सो यहाँ पे आप ऊपर लिख देना कि यूजिंग द स्टेप डिविएशन मेथड, सो यूजिंग द स्टेप डिविएशन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ. सो एक्स बार इज इक्वल टू 3250 प्लस 500 इंटू माइनस 235 अपॉन 200 विच इज इक्वल टू 2662.50. तो क्या है, द मेन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज रुपीज 2662.50. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाई सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस. मतलब वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में जो टॉप बैट्समैन ने क्या किया, जो रन स्कोर किया, उसका आपको यहाँ पे एक डेटा दिया है. रन स्कोर बिटवीन 3000 to 4000, नंबर ऑफ बैट्समैन कितने, फोर, मतलब चार बैट्समैन ने 3000 से 4000 के बीच में रन स्कोर किए. सिमिलरली 4000 to 5000 के बीच में 18 बैट्समैन, अप टू टोटल कितना है 10000 to 11000, जिसके में खाली एक बैट्समैन है. सो यू नीड टू फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. अगेन सबसे पहले स्टेप वन क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 18. ठीक है, सो मॉडल क्लास क्या होगा 4000 to 5000. करेक्ट, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा मॉडल क्लास. एफ जीरो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज 4. एंड एफ टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज 9. करेक्ट, सो अब क्या चाहिए, देखो द मॉडल क्लास इज 4000 to 5000 एज द फ्रीक्वेंसी 18 कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट इज द हाइएस्ट. सो एल और द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विल बी 4000. क्लास साइज और एच क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 5000 माइनस 4000 1000. एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 18, एफ जीरो 4 एंड एफ टू 9. सब्सटीट्यूट करो, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो होल अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच विच इज इक्वल टू 4000 प्लस 18 माइनस 4 होल अपॉन 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000. सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4608.70. ठीक है, समझ आया कितना मिला आपको 4608.70. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे. आज हमने मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स देखे. नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा कुछ पढ़ेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.